तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। इसमें बच्चे जल्दी मेडिकल वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक ब्लॉक है। सबसे पहले अगर देखो, सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लिनेशन थीटा है, अगर मैं ब्लॉक रखता हूँ और ये ब्लॉक अच्छा खासा रेस्ट में है, ठीक ना, तो ये बताओ जब रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इधर इस पर फ्रिक्शन लग रहा है और इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है। एम जी साइन थीटा ने फ्रिक्शन को बैलेंस किया है और ये नॉर्मल इधर आ रहा है और एम जी कॉस थीटा इधर आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इधर स्ट्रिंग से बांध देता हूँ और अच्छा खासा रेस्ट में है, चलने वाला नहीं है, तो क्या इसमें इसमें टेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा यार, जीरो आएगा टेंशन। और हॉरिजेंटल सरफेस पे ये ब्लॉक है और ये ऐसे बंधा हुआ है हॉरिजेंटल सरफेस पे, तो अपने आप बाहर से फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो यार यहाँ हॉरिजेंटल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो टेंशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सबसे पहले फ्रिक्शन आएगा। अगर फोर्स यहाँ से लगाते भी हो, एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन आएगा। जब फ्रिक्शन लिमिटिंग तक रीच हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ अप्लाइड फोर्स लगाओगे वो टेंशन के पास जाएगा। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो इधर लग रहा होगा एम जी साइन 37। तो एम जी साइन 37, ये थीटा 37 यहाँ पे दिया हुआ था, और इधर लग रहा होगा यहाँ पे एम जी कॉस 37 इधर लग रहा है, और यहाँ इधर लग रहा है नॉर्मल एन, और नॉर्मल इधर लग रहा है, और ये एम जी साइन 37 इधर लग रहा है, एम जी कॉस 37 इधर लग रहा है। और यहाँ पर तुम देखोगे तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। दैट्स वाई देख लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा से बराबर होगा या कम होगा तो टेंशन जीरो होगा, अदरवाइज टेंशन आएगा। अगर फ्रिक्शन की एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से अधिक होगा तो बाकी जो फोर्स है वो टेंशन के को बैलेंस करेगा, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले मैं देखता हूँ मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर अवेलेबिलिटी देखोगे तो वो जाएगा म्यू एन, और म्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी कॉस 37, एम जी कॉस 37, म्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पर दिया होगा? म्यू दिया है हाँ 0.8, और जी की वैल्यू 10, और यहाँ से कॉस 37 4/5, तो ये पॉइंट इसको काट दिया, तो यहाँ यहाँ आ जाएगा इसको तुम देखोगे तो 8 × 0.8 6.4। तो 6.4 न्यूटन जो है ऑब्वियसली मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। इतना लगेगा या नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन है तो इतना, ग्राउंड लगा सकता है इतना ब्लॉक पे पीछे की डायरेक्शन में। अब एम जी साइन था साइन 37 की वैल्यू कितना है ये देख लो। तो एम जी साइन 37 की अगर वैल्यू देखोगे तो जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास कितना ब्लॉक का? 1, जी की वैल्यू 10, और साइन 37 देखोगे तो साइन 37 कितना होता है यार? 3/5, तो ये आ जाएगा 1 × 10, और डिवाइड करोगे तो 0.6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स एम जी साइन 37, इसकी वैल्यू है 6 न्यूटन। तो अगर इसकी वैल्यू मान लो 8 न्यूटन आ जाता, ठीक है, तो बाकी जो है 6.8 में से 6.4, समझ रहे हो ना, फ्रिक्शन बैलेंस करता और बाकी टेंशन में कन्वर्ट हो जाता। तो अभी तो 8 नहीं है ना, अभी 6 है। तो अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा वो 6.4 है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन 6 न्यूटन का आएगा, जो कि फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, और उसका नेचर क्या होगा? स्टेटिक होगा, स्टेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और ये स्टेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर टेंशन तो आया ही नहीं, क्योंकि जो फोर्स था 6 न्यूटन को फ्रिक्शन ही बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में जो टेंशन है इस टाइम जीरो होगा। स्ट्रिंग में टेंशन तभी आएगा जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 6.4 से अधिक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ अपना डी ऑप्शन सही बैठ जाता है। थैंक यू।